किया हुआ है. पहले मैंने ग्रेजुएशन किया सिंध यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एक यूनिवर्सिटी कराची से और ये मेरा टेक्सटाइल आर्ट कहलाता है. मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी हूँ और टेक्सटाइल आर्टिस्ट भी हूँ. हमारे यहाँ ये जो सुई धागे का काम है या फिर चाहे वो घर का काम हो, हम क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिंधी फैमिली से है तो हमें ये काम बचपन से ही सिखाए जाते हैं. लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद मेरा होराइज़न थोड़ा सा बढ़ गया कि अब इस काम को ऐसे नहीं, कुछ ऐसे करना चाहिए. अब स्टिचेस वही सेम है लेकिन मैं उसको अपने तरीके से करती हूँ. हमारे यहाँ जो काम होता था स्टार्टिंग में वो फूल पत्तियाँ या बर्ड्स बनाना, लेकिन फिर जब मैंने ग्रेजुएशन की और मुझे पता चला कि चीज़ों को अब थोड़ा सा कैसे मॉडिफाई करना है, तो अब या फिर लोगों के जहन में ये होता था कि अमूमन जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो चादरों पे होती है या सूट्स पे होती है. लेकिन अब मैं किसी भी बंदे की, मेरी जो कोशिश होती है मैं अपने नेशनल हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करती हूँ, मैं उनके पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ. तो ये बात काफ़ी लोगों के लिए मतलब इंटरेस्टिंग बात होती है कि आप सुई धागे से किसी की भी तस्वीर बना लेती हैं एज इट इज़. दिन लगता है तकरीबन, अगर बहुत मिनिएचर में काम हो जैसे 2x2 इंच का काम हो तो उसमें 2 वीक्स लग जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे फ़ीचर्स मिलाने होते हैं, कलर्स मिलाने होते हैं, ताकि ये ना लगे कि अगर कोई पिक्चर देख रहा हो तो वो मुझसे पूछे कि आपने क्या बनाया, बस वो देख के खुद ही समझ जाते हैं. तो मुझे टाइम लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है, 2-2 मंथ्स भी लग जाते हैं. ये मैंने शोदा को ट्रिब्यूट पेश किया था 6 सितंबर को, तो मैंने सारे जो हमारे पाकिस्तानी हीरोज़ हैं उनकी पोर्ट्रेट्स बनाई है. पर्सनालिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, उसके अलावा हमारे जो सिंध के डिफरेंट शायर हैं उनको मैंने ट्रिब्यूट पेश किया है. पहले मैंने इकट्ठा सब पिक्चर्स बनाई थी पाकिस्तानी हीरोज़ की, अब मैं 2-2 करके ये अलग से फ्रेम में बना रही हूँ. उसके साथ मैंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पोर्ट्रेट बनाया था 9 नवंबर को, तो ये भी मैंने लाहौर में जाके उनको ट्रिब्यूट पेश किया था और ये पूरा सुई धागे से बनाया था. उसके साथ साथ मैंने निशान हैदर भी बनाया. मैं डिफरेंट थ्रेड्स यूज़ करती हूँ इसमें, सिल्क के धागे होते हैं, कॉटन थ्रेड्स होते हैं, रेशम के थ्रेड्स होते हैं, कपड़े डिफरेंट यूज़ करती हूँ. वैन गॉग की स्टारी नाइट पेंटिंग, बहुत मशहूर ज़माना एक पेंटिंग है स्टारी नाइट के नाम से, उसको मैंने टेक्सटाइल वर्जन में कन्वर्ट किया है डिफरेंट स्टिचेस जिसमें क्रॉस स्टिच और सेटिन स्टिच है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग ये समझते थे कि सिर्फ कढ़ाई जो है वो सूट्स वगैरह पे की जाती है या बेडशीट्स पे होती है, लेकिन अब मैं किसी की भी पिक्चर बनाती हूँ तो वो काफ़ी उनके लिए हैरानकुन बात होती है कि सुई धागे से आप पिक्चर्स बनाती हैं. ये मैंने बनाया था 2x2 इंच पे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की तस्वीर है ये. इसमें भी मुझे 1.5 हफ्ता तकरीबन लग गया था क्योंकि मुझे फ़ीचर्स मिलाने होते हैं इसमें, कलर कॉम्बिनेशन देखनी होती है इसकी. मैं बहुत मशहूर हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ सिंध कल्चर डिपार्टमेंट की, जो मुझे हर साल यहाँ पर लेकर आते हैं. उसके साथ साथ वुमेन एसोसिएशन हैदराबाद में, उन लोगों ने मुझे काफ़ी अवार्ड्स दिए हैं और काफ़ी डिफरेंट जो प्राइवेट NGOs वगैरह है वो अवार्ड्स देती रहती है मुझे. अच्छा, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ साथ काम तो किया मैंने, लेकिन मैंने डिस्कवरीज ऑफ मून जो दड़ों में भी काम किया, जिसमें मैंने 4 पीसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं. ये है डांसिंग गर्ल और उसके अलावा ये किंग प्रिस्ट है. इसमें भी मैंने सेटिन स्टिच और रनिंग स्टिच का यूज़ किया है. ये हमारे बहुत पुराने स्टिच जो हम यूज़ करते ही आते हैं, ये सिंधी में हम इसको पक्को बर्थ कहते हैं. ये वाला स्टोपा बनाया है, उसके बाद ये बुल है मोहनजोदड़ो के. बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो अब मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने काम को कंटिन्यू रखूं. मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. मैं अपने नौजवानों को ये भी कहना चाहूँगी कि कोई भी जो फील्ड है उसका हम अक्सर औकात स्कोप के पीछे भागते हैं, लेकिन कोई भी फील्ड जो है वो फजूल नहीं है, बशर्त ये है कि आप उसमें अपनी लगन अपनी मेहनत कितनी कर रहे हैं. और इसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स की मुझे बहुत सपोर्ट हुई है बचपन से. मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी दादी नानी अम्मा लोग सब घर में ये सुई धागे का काम करती थी, लेकिन अलॉन्ग विद डेट जब मैं डिफरेंट सिटीज़ में ट्रेवल करती हूँ और अपना पूरा सामान लेकर जाती हूँ, तो उसमें मेरे फादर और मेरे ब्रदर्स का बहुत सपोर्ट होती है मुझे. तो वो डिफरेंट जगहों पर मुझे लेकर जाते हैं. अभी भी कराची से यहाँ तक आना मेरे पेरेंट्स का बहुत मुझे सपोर्ट रही है, इस्पेशली मेरे बाबा की. और उसके साथ साथ मैं हक TV की बहुत मशहूर हूँ.